तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग। आज हम जोतने वाले हैं हमारे बारी को और बोने वाले हैं राई। तो आप लोग कौन कौन अभी तक अपने राई बुआई खत्म कर चुका है कमेंट करके बताना। और दोस्तों यार, आज कल जोताई हुआ था हमारा, ऊपर ऊपर बाह मार रहे थे जितने जो चारा थे उसको हटा रहे थे। अब आज से अब दोस्तों राई बुआई और नीचे बारी बच चुका है तो उसको फिर देखेंगे। अभी तो पहले इसका काम तमाम कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी का दूसरे बारी को जोताई करेंगे। तो दोस्तों हमेशा की तरह मेरी बिटिया रानी, ये देखो मेरे साथ साथ ही आना इधर उधर हो रही है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है दोस्तों। ये जिधर जाता हूँ उधर जाती रहती है, क्या कर सकते हैं, अपनी परी रानी है। पर धूप में इधर उधर हो रही है तो अच्छा नहीं लग रहा, दिक्कत ये है। दोस्तों आपको हमारे बकरियों से मिलाते हैं, जस्ट वीडियो में रहो। ये देखो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आ चुके हैं हमारे बकरियों के, वो देखो। और ये देखो इधर इनके सब बच्चे हो चुके हैं। ये बड़ी वाली लड़की दिख रही है आपको ना, ये इसके दो बच्चे थे, इनका बच्चे मर चुके हैं, दोनों बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। और हम आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या मिक्स करके हम बोने वाले हैं आज हमारे बारी में। तो दोस्तों अभी तक नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और देखो भाई, ये देखो कचरिया हमारे बारी के बीन के लाए हुए हैं, और भिंडी हैं, करेला हैं। और दोस्तों आज हम मिक्स करने वाले हैं, भाई के साथ मिक्स करके बोने वाले हैं मूरा बोने वाले हैं, और साथ साथ में ये राई। तो दोस्तों कौन कौन भाई आप लोग मूरा मूली मिला के बोए हो कमेंट करके बताना। और एक भाई साहब ने मुझे सुझाव दिया था कि पट्टा जी आप अपने बारी में मूली मिला दो, तो धन्यवाद भाई साहब, आपने बताया। पहले से ही मेरा प्लानिंग था मूली मूरा मिला के बोने का, पर आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं फिर दिखाते हैं आगे का वीडियो में का कैसे क्या क्या होने वाला है, तो आप लोगों को दिखाते हैं आज। फिर कल के वीडियो में दिखाया था एक जुआड़ी डंडा टूट गया था, तो आज फिर टूट चुका है हमारे बैल के जुआड़ी डंडा। और ये इसी साइड का बैल था तो देख सकते हैं, यहाँ कल चेंज करे थे, आज फिर से चेंज करना पड़ रहा है हमको। तो इमरजेंसी में भाई बांस के डंडा लगाने पड़ रहा है, नहीं तो कौन सा डंडा सही रहते लेते, बांस डंडा सही रहते अंदर क्लान सही रहते धवा धवा। और ये देखो हमारे कजरा बैला को और हमारे बिटिया को देखो, ये देखो बैल आ चुके हैं। तो हमारी गुड़िया रानी को देखो कैसी हो रही है, लठ में मार बेटा। परी रानी मार, ये देखो इतना बड़ा लठ उठा चुकी है। ओहो क्या बात है हमारी परी रानी, क्या बात है। आ जा इधर आ जाओ बेटे। तो देखो दोस्तों पापा अब बुआई कर रहा है और मेरे को मिल चुके हैं बारी में मूंगफली। देखो कुछ बारी मिक्स करी, कुछ मिक्स कर दिए थे हम लोग तो बच गए हैं। देखो ये तो खाने के लिए मिल रहा है बढ़िया से, और बाकी पापा तो बो रहे हैं मूला और राई। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे हम जोताई कर चुके हैं, इतना पीछे आप लोग देख सकते हैं लगभग दो हरिया जोता चुका है, क्योंकि दोस्तों कार्तिक के समय यार जोताई दिखता नहीं, कितना तुम जोतो जोताई नहीं दिखता। और बरसात समय में ऐसा है कि जोताई ज़्यादा दिखता है, तो अब जोत लेते हैं तो फिर बात करेंगे बीच बीच में। तो इसी तरह से अगर आप नए हैं साथी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये देखो फट चुका है मूली का पन्नी, फट चुका है दोस्तों ये देखो। और अपन लोग मिक्स कर देते हैं इसको राई के साथ, ये देखो कुछ मिला देते हैं, ज़्यादा नहीं इतना मिक्स कर देते हैं, बाकी फिर और नीचे वाले बारी में डालना पड़ेगा, इसलिए इनको मिक्स कर देते हैं कुछ इस तरह से, जितना जहाँ हो सके मिक्स कर दें बढ़िया से, और फिर इनको बोएंगे। अब बाकी हमारे बैल भी फंस चुके हैं, बाकी पापा ठंगरा से जुताई कर रहा था तो अभी नांगर चेंज कर लिया है, तो अब मिक्स हो चुका है, अब इसको बोआई शुरू करते हैं हम लोग। हो चुका है ले दोस्तों, आज का जुताई हमारा कंप्लीट हो गया और हमारे बैल भी ढिल रहे हैं, लगभग आज इतना जुताई हुआ है। और इधर साइड इनको पिताजी
तिगना है, 3 बार जुताई हुआ है, इस वजह से आज समय लग गया। और आज मैं कहीं बाहर गया था, इस वजह से लगभग 12-12 बजे मेरा पहुंचना हुआ घर में, इस वजह से टाइम से जुताई किया मैं। तो दोस्तों इनको ढील लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो दोस्तों ढिल गए हमारे बैला और जा रहे हैं पानी पीने के लिए। हमारे जो नीचे साइड तालाब है ना, वहाँ पर जाएंगे ये बैल। और दोस्तों आज मुझे जाना है कार्यक्रम, इस वजह से जल्दी मुझे नहाने जाना है। नहा के आके तैयार हो के फिर कार्यक्रम में निकलना है मुझे। तो देखो आज इतना सारा जुताई हुआ है। और दोस्तों कहीं कहीं बिर्रे बिर्रे हमारे बारी में हैं, मूँगफली दाने, मूँगफली बोए थे पिछले साल तो उनके कुछ अवशेष बच गए थे, तो जम गए हैं वो भी। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा जुताई हुआ है अभी, आज इतना ही जुताई हो पाया दोस्तों। दोस्तों देखिए ये खरेटा, हमारे गांव के खरेटा इस तरह से होता है और इनको बनाना पड़ता है, फिर बाद में इसको उपयोग किया जाता है। बाकी हमारे घरों में खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ता खरेटों को। और हमारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, ये देखो अपने अपने। और गाइस देखो पूनम को ये खा रही मूँगफली। हमारे शहजादे साहब अभी सोए हुए हैं कुछ। और मेरे लाडली को देखो, ये भी अभी जस्ट सो के जगी हुई है। और ये गई थी अपनी नानी गांव, कह रही नानी गांव गई थी ये। तो दोस्तों एक और स्पेशल वीडियो में बताने वाला हूँ आपको यूट्यूब का पावर क्या है। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना। और दोस्तों कमेंट करके बताना, इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट सब लोग करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुझाव टिप्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से अपना माया दुलार प्यार बनाए रखना। और दोस्तों भाई मेरे चेहरे पर पसीने पसीने आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा, क्योंकि यार जस्ट अभी बैला ढील कर आके बैठे हूँ, इसलिए ऐसा हालत है। और हमारे परी को देखो ये खा रही है मूँगफली। मेरे खिला दे, हाँ खिलाओ ना मेरे को, खिलाओ लाडली साहिबा। ये खुद खा रही है, आज तो मेरे को खिला ही नहीं रही है, नाराज है। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं समापन करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक लिए जय जोहार, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।